शुक्राचार्य का मतलब समझ गए, मना करने वाले लोग। अरे देखा नहीं आजकल क्या हो रहा है, देखते नहीं हो धर्म के नाम पे लोग क्या करते, देखते नहीं हो। तो एक काम करियो, तुझे कसम लगे अगर आज के बाद तूने घर में भी आरती करी तो जा नवाज अदा कर, जा चर्च में जाके बाइबल का पाठ कर। नहीं कर सकता ना, तो सिर्फ एक चीज के लिए धर्म से मुंह मोड़ना, ये क्या बात है। धर्म करो दिल से करो। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं, धर्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन धर्म कभी गलत नहीं होता। जिसका लक्ष्य है तुम्हारा कल्याण करना, धर्म का एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारा कल्याण करना। शुक्राचार्य तो मिलेंगे आपको मना करने वाले, लेकिन तुम सोचो तुम्हारा भला किसमें है, तुम सोचो तुम्हारा कल्याण किसमें है। अगर तुमने देना बंद कर दिया तो परमात्मा भी देने की प्रतिक्रिया को ब्रेक लगा देगा। तुम बीज बोते हो तुम्हें फसल मिलती है, देते पहले तुम हो भगवान बाद में देता है। शुरुआत तुम करते हो भगवान बाद में तुम्हें देता है। बिजनेस में पहले तुम लगाते हो कि बिना लगाए मिल जाता है। जमीन खरीदो भाई, ये करो फिर ये करो, भाई साहब क्या क्या नहीं करना पड़ता, उसके बाद कहीं जाके कुछ मिलना शुरू होता है। वैसे ही भगवान की भक्ति में ये जो सेवा है ये परम धर्म है। इसमें आप जो जो धीरे धीरे आगे बढ़े, शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भी राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया। दो पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया मेरे प्रभु ने, दो पग में पूरा ब्रह्मांड। और जब सारा ब्रह्मांड नाप लिया तो मेरे प्रभु कह रहे हैं अब बता तीसरा पैर कहां रखूं, तीसरा चरण कहां रखूं। और अगर तूने संकल्प पूरा नहीं किया राजन तो पाप लगेगा। संकल्प उतना ही होना चाहिए जितना कर सको, ज्यादा नहीं। अब बताओ तुम्हें तीसरा चरण कहां रखूं। दोनों हाथ जोड़े और राजा बोले महाराज कृपा करके बात बता दो, दान बड़ा होता है कि दानी, दान का मालिक दानी है इसलिए दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि कहते हैं दो पग में आपने मेरे दान को नापा है, एक पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो गया। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। ऊंचा भी सुनते हो क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं क्या बोलते हो, ये नहीं कह रहा हूं बोलना पड़ेगा, सुनो मैं पूछ रहा हूं। तन मन बस बस यहीं तक काम की बात है। तन मन धन और जीवन सब कुछ किसका, तेरा मींस पक्की बात। कौन कौन मानता है कि सब कुछ भगवान का है? सब मानते हैं, सब मानते नीचे करवा, सब भगवान का ही है ना पक्का। एक काम करो, जो जितने भी मोबाइल आप पे हैं और जितना आपकी जेब में पर्स में जो है इस समय अभी, और जिन गाड़ियों में आप यहां आए हो, सिर्फ ये भगवान को दे जाओ, बाकी तुम्हारा अपने पास रखो। दिया
पक्का है क्या महाराज? कथा सुना रहे हो क्या? मैं पागल बना रहे हो? मैं पागल बना रहा हूं या तुम भगवान को पागल बना रहे हो? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और जब मांगने की बारी आई तो तेरा तेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको देता हूं माफ करो चौहोर। देखिए मैं एक बात हमेशा आपसे कहूंगा, भगवान से झूठ बोलना बंद करो। 10 रुपए भी मत दो। भगवान को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, भगवान को तुम्हारी गाड़ियों की जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे मोबाइल की जरूरत नहीं। भगवान को जरूरत है तो सिर्फ तेरे पवित्र मन की जरूरत है। ये मन दे दे, ये मन दे दे मेरे ठाकुर जी को, ये मन चाहिए मेरे गोविंद। और सुन, तेरे पास चीज तो तीन ही है महत्वपूर्ण, तन मन और धन, यही तीन है। पक्की बात है, दुनिया वालों को क्या चाहिए इन तीनों चीजों में से? दुनिया वालों को तुमसे इन तीन चीजों में से क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक तेरा धन। सबसे पहले जितना है सब आज दे दे, कल तेरा एड्रेस भूल जाएंगे ये, तेरी कसम। आज अगर तुम सब कुछ दे दो इनको कि ले जा, कल ये तेरी शकल देखना पसंद नहीं करेगा। और जब तक नहीं दोगे, अरे सा भैया जवाब नहीं आपका, कमाल कर दिया। और आप जितनी लोग पतंग में डोर छोड़ते ना, उससे ज्यादा ये छोड़ता। कब तक? जब तक तुम्हारे पास है। तो दुनिया वालों को दो चीज चाहिए, काम चलाने के लिए धन और काम करवाने के लिए तन। दो चीज चाहिए, न मेरे ठाकुर को तेरा तन चाहिए, न मेरे ठाकुर को तेरा धन चाहिए। तो मन तो तेरा बेकार ही ना हो गया। दुनिया वाले तेरा मन देखते हैं, देखते हैं मन। किसी भी रिश्तेदार को तेरे मन की कीमत मालूम है? इवन तेरे बच्चों को, इवन तेरे मां बाप को। तो एक काम करना, ये दो चीजें दुनिया को चाहिए, वो दो चीज दुनिया वालों को दे दे, और एक चीज मेरे ठाकुर जी को चाहिए, वो एक चीज मेरे ठाकुर जी को दे दे। दुनिया भी सुधर गई और तेरा परलोक भी सुधर गया। फ्री के आइडिया हजम नहीं होते ना। यहीं पे अगर 10,000 रुपए चार्ज करके फिर ये आइडिया देते तो कल से ही इस पे अप्लाई कर देते आप। बात सही है पंडित जी, बहुत अच्छे बोले बोले ना पंडित जी, क्या गजब, कोई नहीं अपना, अब फ्री में मिल गया। अरे कौन मन देख रहा है, लेकिन कई चीज फ्री की बहुत अच्छी होती है साहब। फ्री की वायु के बिना तुम जी नहीं सकते, फ्री की ऑक्सीजन के बिना तुम जी नहीं सकते। ये सब फ्री में दिया भगवान ने, तुमसे कोई चार्ज नहीं किया। तो मेरे भाई बहन, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, ये तन और धन दुनिया वालों को दे दे और ये मन मेरे ठाकुर जी को दे दे। निश्चित तौर पर तेरा कल्याण होगा, निश्चित तौर पर तू मेरे गोविंद का होगा। दुनिया अपने आप प्रसन्न होगी और मेरा ठाकुर अपने आप तेरे मन को देखकर प्रसन्न हो जाएगा। तो राजा बलि ने यही किया, कम पड़ा तो अपने आप को दे दिया। और ऐसा पहला दानी है राजा बलि जिसने अपना तन भी दिया, जिसने अपना धन भी दिया, मन भी दिया, तीनों चीज भगवान को दे दी। हे मेरे भाई बहन, भगवान को वो लोग पसंद नहीं जो घमंड के साथ रहते हैं, भगवान को वो लोग पसंद है जो अपने घमंड को मिटा के रहते हैं, जो अपनी मैं को भुला के रहते हैं।